हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर यूज किया जा रहा है। इस पर एक समस्या सिर्फ जो आप देख रहे हैं, इसका जो मेन सीपीयू ख़राब हो चुका है। इसको हम रिपेयरिंग के जगह पर दोबारा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं डुप्लीकेट मिलते हैं। डुप्लीकेट होने की वजह से जो फ्लिप्स का इसमें चिट तो जैसे मोहर तो लगी होती, लेकिन ये जल चलने के बाद थोड़ी देर बाद डेड हो जाता। इस समस्या के लिए हमको न्यू माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं डालना चाहिए। हम इसी के जगह वो पर नहीं है, दोबारा नहीं का ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर जो पड़ा ऑल्ड हो, हम उसी को लगा सकते हैं। हम इसको आपको अगली खराब वीडियो में बताएंगे जो कैसे चेंज करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और किस तरीके का। जो हमारे पास चिप लेवल अगर 100% काम किया था, LED एंड LCD स्मार्ट टीवी, प्लाज्मा टीवी, जो CRTV, सभी की जो रिपेयरिंग की जाती है, नैनो टेक्नो इंस्टीट्यूट पर की जाती है। हम इसको आपको थोड़ी देर बाद जो कि रिपेयरिंग का काम स्लो मोशन में पड़ा हुआ, हम इसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। लेकिन हम इसी वीडियो को यहाँ पर कट करते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आई सेव डू नॉट।